आप किसी को गिफ्ट देने के लिए आए हैं और मुंह चढ़ाकर गिफ्ट दे रहे हैं और तमीज से बात नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे ले गिफ्ट, परमेश्वर उसको, कोई इंसान भी नहीं लेगा उसको। तो परमेश्वर ऐसे प्रार्थनाएं, ऐसी गीत ग्रहण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता जिसमें आनंद ना हो। समझ में आया? आपके अंदर आनंद होना चाहिए, आमीन। आपके अंदर शांति होनी चाहिए, आमीन। जब आपके अंदर शांति होगी परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। इसलिए लिखा, कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और लिखा कि जो कोई आनंदित है वो भजन गाए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अगर आप दुखी हैं, आपसे नहीं गाया जा रहा, तो आप प्रार्थना करते रहें साथ साथ। लेकिन अगर आप गीत गा रहे हैं तो समझ जाओ जितने दुखी हैं वो आनंदित होने वाले हैं यीशु मसीह। आज आप कैसा भी दुख हो, कैसी भी परेशानी हो, आइए अपने हाथों को उठाएं। और समय जो मुझे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, पंजाब के हर कोने से, जो ब्रांचों से समय देख रहे हैं, दिल्ली से, फरीदाबाद से, गुजरात से, अहमदाबाद से, मैं देख रहा हूँ कर्नाटक, और इसी समय हैदराबाद, जम्मू, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, कहीं से भी आप देख रहे हैं, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा, चाहे पाकिस्तान, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, फिजी से, कहीं से भी देख रहे हैं, श्रीलंका से, हर एक ब्रांच से, मॉरिशस से, कहीं से भी देख रहे हो, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता आज तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा यीशु मसीह। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, कोई व्यक्ति है यहां पर, और अगर वो आज समझ गया इस वचन को और समझ गया कि मैंने प्रार्थना किस ढंग से करना है, मैं कहां पर खड़ा हूं और मुझे रेगुलर आना है, ये 3 महीने रेगुलर जो आया ये उसके लिए भविष्यवाणी है, जो लाइव में भी सुन रहा है, पवित्र आत्मा से बात कर रहा है, जो कहते हैं भविष्यता नहीं है, मैं कह रहा हूं भविष्यता है इस धरती पर यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आएगा थोड़े दिनों के अंदर, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, अगर मुझे किसी का चाल चलन सही ढंग से समझ में आया, पसंद नहीं, समझ में आया, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि वो मैं देख रहा हूं किसी एक आदमी को परमेश्वर बहुत बड़ा आदमी बनाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको छू रहा है अभी इसी समय, 2 सेकंड के लिए अपने हाथों को उठाओ, बेशक चाहे आप अपने घर में हो, बेड पर हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हो, इस समय ब्रांचों से देख रहे हो, अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि इस समय ये सोच कर नहीं देखना कि आपकी जान पहचान मेरे साथ या मैं आपका पास्टर हूं, कोई भी हो यहां पर, इस समय परमेश्वर के सामने नमस्तक करो, अपने आप को नम्र करो, दीन हो जाओ परमेश्वर के सामने। कुछ लोग खुदा के साथ मुकाबला सामना करते रहते हैं, खुदा कहता रहता है कि बेटे बाइबल पढ़, पाप को छोड़ दे, प्रार्थना कर, लेकिन वो अड़ा रहता है, सामना कर रहा है, ऐसा व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। आप सामना ना करें, फिरौन ने सामना किया, उसने कहा मैं परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजकर उसको अपनी जान पहचान कराई, कहता कि ये परमेश्वर है तुम्हारा जो चंगा भी कर सकता है, उसको समझ में आया कि जो बीमारियां दे सकता है वो आजाद भी कर सकता है, कह रहे कि वो आज धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है। इसी समय अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने आप प्रभु के सामने प्रार्थना करें, जो भी आपके मन में कड़वाहट है आज दूर कर दो उसको, आज मांगो परमेश्वर से, कहो पवित्र आत्मा को, जो भी कोई आज समस्या है आज कोई चुप ना रहे, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब मेरे लोग तेरे सामने हाथ उठाएं, जब मेरे लोग सच में पवित्र आत्मा ये तेरी प्रजा तेरे सामने हाथ उठाए, मेरे पिता परमेश्वर इनकी विनतियों को ग्रहण कर, इनके प्रार्थना करने को ग्रहण कर। तूने आज वचन में कहा कि सच में परमेश्वर मेरे मुंह के वचनों को, मेरे मुंह के शब्दों को, मेरे मुंह की प्रार्थना को ग्रहण कर, वो दूसरों के शब्दों को ग्रहण करने नहीं आया, अन्य जातियों के शब्दों को ग्रहण करने नहीं आया, जो अन्य जाति लोग आज तेरे पास आए मेरे पिता तुझसे विनती कर रहे हैं, इनके शब्दों को ग्रहण करा आज यीशु मसीह के नाम में, मेरा प्रभु आज ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में, वो ग्रहण करेगा यीशु मसीह के नाम में, वो सच में स्वीकार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहो पवित्र आत्मा मैं हृदय से टूटा हुआ हूं,
मैं आज अपने टूटे हुए हृदय से आज पवित्र आत्मा विनतियां करता हुआ तुझसे मांगता हुआ तेरे चरणों में आया हूँ। मेरा हृदय, मेरा हार्ट, पवित्र आत्मा कोई नहीं पढ़ सकता तेरे सिवाय। मेरे अंदर की बातों को कोई नहीं जान सकता परमेश्वर तेरे सिवाय। मेरे पिता परमेश्वर, ये दुनिया तो नाटक करती है, आज लोग बड़े बड़े बहाने करते हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा अपने भी जब साथ छोड़ जाते हैं, धोखा दे देते हैं। मेरे परमेश्वर, सच में उस समय तेरी आवाज, तेरा वचन हमारे अंदर कानों में सुनाई देता है। आज इनके कानों में सुनाई थे, आज इनके कानों में सुनाई दे तेरी आवाज के परमेश्वर कह रहा है, मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मत रो, मत दुखी हो, मत परेशान हो। आत्मा आपसे बातें कर रहा है आज अंदर से, वो कह रहा है, मेरी बेटी, मत रो, मत दुखी हो, मैं तेरे आज दुखों को लेने वाला हूँ, मैं तेरे दुखों को उठाने वाला हूँ, मैं तेरे प्रॉब्लम को दूर करने वाला परमेश्वर हूँ। वो यहोवा इस समय परमेश्वर आपकी विनतियों को सुन रहा है। अपनी प्रार्थना करो आमीन बोलने की बजाय, आज परमेश्वर, अपनी प्रार्थना करो आज, परमेश्वर को कहो आज, प्रार्थना करो आज सारा दिन, आमीन आमीन आमीन। आपको प्रार्थना करने के लिए बोला है इस समय परमेश्वर का आत्मा। जो प्रार्थना नहीं करते हो शोकित होता है। जब मैं स्टेज पर प्रार्थना कर रहा हूं, आप प्रार्थना करें अपने लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, उसने कहा, दाऊद बोलता है, परमेश्वर मेरे मुख के वचन ग्रहण कर, आपके मुंह के शब्द ग्रहण करेगा मेरे, हर संडे करता है वो, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं कहां है वो देखना चाहता है। आप अपने मुंह को खोलो और बताओ परमेश्वर को कि आप कितनी तकलीफ में हो, आप कैसे दुखों में, परेशानियों में भी आप यहां पर इकट्ठे हो, आप कैसे पवित्र आत्मा जी आज के परमेश्वर में इस समय तुझे ढूंढ रहा हूं, आपके शब्दों को सुनना चाहता है। वचन का मतलब यही है, आज बोलो, पुकारो, आज गिड़गड़ाओ परमेश्वर के सामने, वो आपकी विनती को सुनना चाहता है। जो विनती कर रहा है उसके नाम आज मेरी कानों में सुनाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जो विनती कर रहा है परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसके लिए बोलूंगा और बातचीत करूंगा। पवित्र आत्मा जो समय तुझे ढूंढ रहे हैं, जो तेरे से मांग रहे हैं, परमेश्वर इस समय इनकी विनतियों को सुन ले। जो समय लाइव में परमेश्वर दिल्ली से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर अमृतसर ब्रांच से, इस समय मेरे पिता परमेश्वर कपूरथला बटाला गुरदासपुर मुक्तसर, इस समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, मॉरिशस से, सिंगापुर से, मेरे पिता पवित्र आत्मा यूएसए से, कैलिफोर्निया से, पवित्र आत्मा जो इस समय परमेश्वर मांग रहे हैं तो उससे पवित्र आत्मा हर एक ब्रांच से, इस समय फतियाबाद, हिसार, रांची, झारखंड, सिमडिगा, मेरे पिता परमेश्वर इसी समय गुमला ब्रांच से पवित्र आत्मा जो मांग रहे हैं मेरे प्रभु जी इस समय पवित्र आत्मा, छत्तीसगढ़ से, भिलाई से भी जो मांग रहे हैं परमेश्वर इसी समय तो सुन ले पवित्र आत्मा, तो सुन रहा है, तो सुन रहा है। जो नेपाल से सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज जो इस समय अपने मुंह के शब्दों से प्रार्थना कर रहे हैं, अपना मुंह खोलकर आज तेरे सामने मांग रहे हैं परमेश्वर। हे यरूशलेम तू सुंदर है, सब कहें हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है, हे यरूशलेम तू सुंदर 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 है, हे सियोन तू पवित्र है, हे सियोन तू पवित्र है। गले के बंधन खोल ले अपने और जय जयकार कर, सब कहें गले के बंधन खोल ले अपने और जय जयकार कर, यीशु ने तुझे छुड़ा लिया है उसके कारण आनंद कर। हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है, हे सियोन तू पवित्र है, हे यरूशलेम तू सुंदर है। अपना बल धारण कर ले, अपना बल धारण कर ले, अपना बल धारण कर ले, यीशु राजा परता
गले के बंधन खोल ले अपने, गले के बंधन खोल ले अपने, और जय जयकार कर, गले के बंधन खोल ले अपने, और जय जयकार कर, यीशु ने तुझे छुड़ा लिया है, उसके कारण आनंद कर, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है, देख चढ़ा आता है वो लाडू के बच्चे पर, देख चढ़ा आता है वो लाडू के बच्चे पर, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है, अपना बल धारण कर ले, अपना बल धारण कर ले, यीशु राजा परतापी है, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है, गले के बंधन खोल ले अपने, और जय जयकार कर, गले के बंधन खोल ले अपने, और जय जयकार कर, यीशु ने तुझे छुड़ा लिया है, उसके कारण आनंद कर, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है, अपना बल धारण कर ले, अपना बल धारण कर ले, यीशु राजा परतापी है, अपना बल धारण कर ले, अपना बल धारण कर ले, यीशु राजा परतापी है, हे यरूशलेम तू सुंदर है, पर दया कर परमेश्वर, जो इस समय तेरे सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर, तेरे सामने मुंह खोल कर गा रहे हैं परमेश्वर, तू आज दया कर मेरे लोगों पर, मेरे अपनों पर दया कर परमेश्वर, मेरे घराने पर दया कर परमेश्वर, मेरी कलीसिया पर दया कर पवित्र आत्मा, इन ब्रांचों पर दया कर परमेश्वर, यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है, अपना बल धारण कर ले, अपना बल धारण कर ले, यीशु राजा परतापी है, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है, अपना बल धारण कर ले, अपना बल धारण कर ले, यीशु राजा परतापी है, हे यरूशलेम तू सब खोल कर गाए, हे सियोन तू पवित्र है, हे यरूशलेम तू सुंदर है, आजाद हो रहे हैं आज आप, बंधन टूट रहे हैं आज आपके, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च, आज आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आज आप आजाद हो जाएंगे, अपना बल धारण कर ले, अपना बल धारण
राजा परतापी यरूशलेम तू सुंदर है, सियोन तू पवित्र है, यरूशलेम तू सुंदर है, सियोन तू पवित्र है, यरूशलेम तू सुंदर है, सियोन तू पवित्र है। अपना बल धारण कर ले, अपना बल धारण कर ले, अपना बल धारण कर ले, यीशु राजा परतापी है, यरूशलेम तू सुंदर है, बोलो यरूशलेम तू सुंदर है, अपना बल धारण कर ले। अपने हाथों को उठाते हुए कहो, अपना बल धारण कर ले, यीशु राजा परतापी है, गले के बंधन खोल ले अपने और जय जयकार कर। अपने मुंह से कहें, यीशु ने छुड़ा लिया है, उसके कारण आनंद कर, हे यरूशलेम सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है। मैं देख रहा हूं जितने लोगों ने समय मुंह खोलकर आज गीत गाया, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को, गीतों को स्वीकार किया, आपके मुंह के शब्दों को परमेश्वर ने स्वीकार किया। आज से आपका दुख जाता रहेगा। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा बात कर रहा है। मैं देख रहा हूं किसी काजल को, कोई मुझे ऑनलाइन सुन रही है, आपके गवर्नमेंट जॉब लगने वाली यीशु मसीह का नाम, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ आरती कानों से सुन नहीं रही है, कुछ कानों से प्रॉब्लम है किसी को, उसमें मुझे ऑनलाइन या चर्च में मुझे सुन रहे हो आप, आपके कानों में बहुत बुरी तरीके से मुएद भर जाती है, आपके कानों में प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप मुझे झारखंड से देख रहे हो, सुन रहे हो, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपके कानों को इसी समय छू रहा है, कोई स्वर दूत इसी समय एक उंगली टच कर रहा है, और इसी समय आपको गर्माहट आ रही है, जिनके कान सुनते नहीं है, जिनके कान बहरे हैं, अभी इसी समय चंगे हो रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। तो इसी समय किसी को ब्रेस्ट में गिल्टी हैं, गांठे हैं, और इसी समय हाथ रख लो, आज परमेश्वर का आत्मा आपको, आपको इसी समय जिसने स्तुति की है आज परमेश्वर आपको तारीफ करने का समय देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो गिल्टियां वो गांठे गायब हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है, आजाद हो गया वो यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय महसूस कर रहा हूँ पवित्र आत्मा यहाँ पर है, इसी समय रुबीना रुबीना रुबीन रुबीन कानों से बह रही है, आपके साथ कोई आया तो उसके कानों पर हाथ रख दो, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अब इसी समय मैं देख रहा हूँ कि वो माँ वो परिवार वो गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी को गर्माहट दे रहा है, उसके कानों पर गर्माहट दे रहा है, पर्दे वापिस आ रहे हैं, जो फट गए थे वो वापिस आ रहे हैं, जो पर्दे फट गए थे वो वापिस आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किसी का इस समय मुंह में गिल्टियां होगी थी, छाले पड़ गए थे, इसी समय किसी को मैं देख रहा हूँ किसी के ब्रेन में रसोलियां होगी थी, आजाद हो गए वो यीशु मसीह के नाम में। जब आपने स्तुति की है आपको तारीफ करने का समय मिलेगा, आज तारीफ करने का महीना मिलेगा, ये साल आपको तारीफ करने का गवाहियां देने का महीना देगा परमेश्वर, क्योंकि तुमने आज स्तुति की, आज परमेश्वर की आज सही ढंग से स्तुति की है, आत्मा आपसे प्रभावित हुआ है, आत्मा आपसे शोकित नहीं आज खुश है, आज वो आपको तारीफ करने का समय देगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ रूपा मत रो, तेरा हस्बैंड कैंसर की प्रॉब्लम से बहुत समय से परेशान था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने अभी छुआ है और इसी समय वो प्रॉब्लम दूर होगी यीशु मसीह के नाम में, दूर होगी। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, रुपिंदर करा दिमाग में ऐसे कुछ गिल्टियां रसोलियां दिमाग में पानी वाली कुछ प्रॉब्लम थी, इसी समय पेन रहता था, परमेश्वर का आत्मा करा तूने स्तुति की है और परमेश्वर की
तारीफ की है, कहता है इस महीने तू परमेश्वर की तारीफ करेगी यीशु मसीह के नाम में, तुम गवाहियों के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर को कहो, परमेश्वर तू तारीफ के योग्य है यीशु मसीह के नाम में, तू तारीफ के योग्य है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय महसूस कर रहा हूँ कि कोई उड़ीसा से मुझे देख रहा है, जोसफ चल नहीं पाता, तू डंडे लेकर चलता है। मैं इसी समय आत्मा में महसूस कर रहा हूँ, इसी समय तू चल रहा है, तो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ तुझे, तू चल रहा है, डंडे छूट रहे हैं और चल रहा है। परमेश्वर का आत्मा अब इसी समय तेरे आसपास है, तेरे हाथों में, तेरे प्यारों को इसी समय कड़ा 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 की आवाजें आ रही हैं और इसी समय तू हील हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई हॉस्पिटल में अस्थमा की प्रॉब्लम है और इसी समय उसको मास्क लगे हुए, वेंटिलेटर पर है, सिलेंडर लगे हुए, बच्चे को जवाब दे दिया गया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अब इसी समय जो मुझे वाच कर रहा था कोई, अभी इसी समय स्वर्गदूत हॉस्पिटल में पहुंच गए उसके नया जीवन देने के लिए यीशु के नाम में। और इसी समय आप गवाही के साथ आएंगे जिनके नाम GRM NS PKL V और T से हैं, परमेश्वर का आत्मा नई जॉब और नए वीजे के साथ ब्लेस कर रहा है, नई आशीषें खोल रहा है। आपके बच्चे महान पैदा होंगे, याद रखना, फेमस होंगे यीशु मसीह के नाम में, जो पैदा हो चुके हैं आज से वो महान होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ब्लेसिंग को खोल रहा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। देवंती देवंती निराश मत हो, परमेश्वर का आत्मा से बात कर रहा है, तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सपना गवर्नमेंट जॉब के साथ आएगी तू, निराश मत हो, परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन में काम कर रहा है, प्रभु का आत्मा रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जॉब कच्ची थी, पक्की हो रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और प्रभु का आत्मा आपके बीच में है, गवाहियां लेंगे, शाबाश, गुड न्यूज के साथ कि जितने अपनी बाइबल लाए हैं ऊपर उठाओ, शाबाश, वो बाइबल आज ऊपर उठाओ और इसी समय प्रभु के गुण गाओ, जोर से तारीफ करेंगे। तेनु छड़ के मैं जावा के थे ना सिरी, क्योंकि चुने दिया गल्ला तेरे बोलने, आ तेनु छड़ के मैं जावा के थे ना सिरी, क्योंकि चुने दिया गल्ला तेरे बोलने, आ तेनु छड़ के मैं जावा के
कदी ऐसा ना दिते आवे जदों मैं तू
आशी करेंगे फिर से जोरदार तालियों से के दास का स्वागत करेंगे हमारे बीच में चल जोर से आपका शोर का मैं हालेलुया सारे बोलो हालेलुया अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो शाबाश कितने लोग खुश हैं आज आज फरीदाबाद में एक और सेकंड ग्रैंड ओपनिंग है वेस्ट बंगाल में चौथी ब्रांच खुल रही है हमारी हालेलुया और मनी माजरा में पंचकुला में और एक ग्रैंड ओपनिंग है पांचवी ब्रांच है वेस्ट बंगाल में हावड़ा में हालेलुया और इंग्लैंड में दूसरी ब्रांच है और यूपी में पता नहीं 15वीं 16वीं ब्रांच है हालेलुया पंजाब दिखा कैमरे में पंजाब में मुकेरिया में आज ब्रांच ओपनिंग हो रही है जोर से तारीफ करो और इंग्लैंड में सेकंड ब्रांच ओपनिंग है आज शाम को और फिर थर्ड ब्रांच अगले संडे ओपनिंग है इंग्लैंड में 20 ब्रांचें खोलनी है मैंने ठीक है प्रभु आप सबको आशीष दे तो हम प्रार्थना करेंगे इन ब्रांचों के लिए इसी समय पवित्र आत्मा जी हम सब इस समय मिलकर पवित्र आत्मा जी विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पूरी दुनिया में मेरे प्रभु जी तेरे नाम की महिमा होने पाए यीशु मसीह का नाम मेरे प्रभु गली गली शहर शहर में नुक्कड़ नुक्कड़ में मेरे प्रभु तेरे लोग जो हैं तेरी सच्चाई को जानने पाए परमेश्वर मेरे प्रभु पापी लोग उद्धार पाने पाए पवित्र आत्मा जी जो बीमार है वो चंगे होने पाए वो सच में परमेश्वर की दया को लेने पाए जो दुखी है परेशान है जो समस्या में है परमेश्वर उन्हें आजाद कर सक क्योंकि सच में मेरे प्रभु तू बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है और प्रभु यीशु मसीह हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नाश हो तेरी इच्छा यही है कि हर एक व्यक्ति मनुष्य बचाया जाए मेरे प्रभु आज जो सच में जात पात का विरोध करते हैं जो सच में परमेश्वर आज नहीं समझ पा रहे लेकिन मरने के बाद एक दिन व्यक्ति समझता है लेकिन उस समय टाइम नहीं है परमेश्वर तो हम चाहते हैं पवित्र आत्मा तो सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से हर एक मनुष्य की आंखें खोल दे यीशु ही परमेश्वर है इनकी आंखों को खोल दे परमेश्वर ये सच में पाप का जीवन छोड़कर मेरे प्रभु सच्चाई के पीछे चलने वाले हो जाएं तेरे वचन में लिखा सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा हर बीमारी से हर कर्तव्य से हर शराब से आजाद करेगा प्रभु आज हम सच में ओपनिंग करते और हर एक ब्रांच में जहां भी आज ओपनिंग हो रही है प्रभु उन सबको आशीष देते हैं जो लोग वहां पर खड़े हैं समय उस ब्रांच में पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन आमीन तो ये देखो आपके सामने खींचो भाई इसको थोड़ा सा
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज ओपनिंग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया के, तो हालेलुया के, हालेलुया। सुनो, तो रसगुल्ला कौन खाएगा और खिलाएगा? हम मीठा मुंह करा रहे हैं अपने लोगों का। यस, थैंक यू। जोर से तारीफ करें। हालेलुया, मारो ताड़िया यीशु दे दबारे ते, मारो ताड़िया, मारो ताड़िया यीशु दे दबारे ते, यीशु दे दबारे ते, मारो ताड़िया यीशु दे दबारे ते, मारो ताड़िया। सारे बोलो हालेलुया। पुलिस वाले भी इतने मेहनत करते हैं तो आज इनको रसगुल्ला तो बनता ही है, एक है कि नहीं? ऐसा सच्चो, तू तो खाएगा नहीं, शाम को लेगा। शाबाश, जोर से तारीफ करो। ले भाई, ले भाई। यस, आई पुछ, चलो शाबाश। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। बैठ जाए अपने स्थान पर। शाबाश, हां, टेस्टमनी के साथ, हालेलुया, कमाईयों के साथ। प्रॉफिट जी, अद्भुत टेस्टमनी है। हाँ। बता रही कि सिस्टर काफी समय से कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। हाँ। चर्च आए, आपसे स्पेशल ले हैं, प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, परमेश्वर ने कनाडा वीजा के साथ नाली है, यहोवा तेरे नाल है, नाली है, यहोवा तेरे नाल है। प्रॉफिट जी, एक और अद्भुत गवाही इन बहन की। हाँ। बता रहे क्रिसमस पे इनकी मदर व्हीलचेयर पर लेकर आए थे इनको, डॉक्टर ने जवाब दिया कि कभी चल नहीं सकते। आज परमेश्वर ने जब इन्हें छुआ, अपने लेहन प्रेयर किया था उस दिन, परमेश्वर ने छुआ और आज गवाही के साथ आए, व्हीलचेयर छोड़ कर चलने लगे। नचता नहीं कदे यीशु दा प्यार निचोंदा, नचता नहीं कदे यीशु दा प्यार निचोंदा। बोलो यीशु मसीह की जय। ये वही है, वही है। अच्छी अच्छी टांग दिखाओ, चल सकते हो अपनी टांगों पर? चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। अरे उड़ी बाबा, ये तो चल रही है। जोर से ताड़िया, दोनों ताड़िया यीशु दे दबारे ते, मारो ताड़िया। देखो आपके सामने कैसे दौड़ रही है, जरा सी हिल बताएंगे, शाबाश, गवाही सुनेंगे। हाँ, जय मसीह दी पापा जी, सारी कलीसिया नो जय मसीह दी पापा जी। मेरी मम्मा को पैरालाइज का अटैक आ गया था क्रिसमस में, आपके आपसे लेहन करवाई, स्पेशल लेहन करवाई। मेरी मम्मा कहते थे मैं कभी अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती हूँ, पर प्रभुता ने इतने कृपा भी परमेश्वर ने, आज मेरी मम्मा दौड़ रहे हैं। देखो आपके सामने बता रहे कि लेहन प्रे कराया, व्हील चेयर पर आए, चल पा रहे थे क्रिसमस के दिन, बेड पर थे, बेड पर थे, बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, और जब प्रार्थना हुआ तो आज दौड़ रही, और देखो कैसे रो रही है। इसको महसूस हुआ कि परमेश्वर है यहाँ पर, कोई सुनता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो विश्वास के साथ ले एंड प्रे करा रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। देखो, इन्होंने कनाडा वीजा के लिए ट्राई किया था, कनाडा वीजा नहीं लग पा रहा था जी। पापा जी, मेरी सिस्टर ने कनाडा वीजा बहुत सालों से ट्राई करी, 15-16 सालों से। उन्होंने स्पेशल ले एंड करवाई आपसे, स्पेशल, और आप कनाडा पहुंच चुके हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कनाडा पहुंच चुके। जोर से तालियों से। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि बता रहे कि जब ले हैंड प्रे कराया तो दोनों हस्बैंड वाइफ कनाडा पहुंच चुके हैं। कितने लोग ले हैंड कराना चाहते हैं? अपने सिर पे हाथ रख लो आज, और इसी समय प्रभु मैं इनके ले हैंड मुंह के शब्दों के द्वारा करता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा, क्योंकि हमारे मुंह में ताकत है, शब्दों में ताकत है, मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी करता हूँ कि आज इनके काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। आज जी, नेक्स्ट गवाही के साथ शमा, जोर से तारीफ करो, जोर से। बादशाह, 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 बादशाह। नेक्स्ट, हालेलुया। प्रॉपर्टी बहन बता रहे काफी समय से इनका बेटा यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहा था, नहीं मिल रहा था। चर्च आए, अपने प्रोफेसी किया था नाम लेके, अपने लेहन प्रेयर किया, एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, आज गवाही के साथ आए, परमेश्वर ने यूके वीजा के साथ प्लेस किया है। आसमानी खुदा, महिमा तेरी
जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से, शाबाश, गवाही के साथ। हाँ हाँ हाँ, सारी कलीसिया को जय मसीह दी, पापा जी नु जय मसीह दी। असी मेरे बेटे ने आज तो 2 साल पहले अपना करवाया सी, फाइल लवाई सी, तेरा पूजन आ गई सी। असी फिर चर्च आए, इतने आन के पासपोर्ट लैके आए सा, तो पापा जी ने फिर फैसी की, असी रिसीव की, तो मेरे बेटे का वीजा लग गया, तो यूके चला गया। तो मेरी दूसरी गवाही ये वे, मेरी बेटी यूके व्याई है, तो वो प्रैगनेंट होई, तो 8वें महीने वो ढिली हो गई, तो उन्होंने होस्पिटल लै गए, तो होस्पिटल वाले ने कहा भी इनू बेबी हुणे ही होएगा। तो 3 दिन वो कोशिश करते रहे, तो बेबी नहीं होया। तो फिर मेरे जवाई ने सानू फोन किया, तो असी उन्होंने ये कहा भी प्रे कर, तो दान पात्र गुप्त कह। फिर मेरी बेटी ने प्रे की, प्रभु जी के ते पापा जी का नाम लिया, तो गुप्त ने दान पात्र किया, तो उस वेले नॉर्मल बेटी हुई, कितने ऑपरेशन नाल होनी सी। Yes. मैं पापा जी का धन्यवाद करनी हाँ, प्रभु जी का धन्यवाद करती हाँ। जोर से तारीफ करें, शाबाश। क्या प्रॉब्लम थी? बेटी नु ना, मेरी बेटी दे घर बेबी होने वाला सी, ते 8वें महीने यूके मतलब वीजा मिला। हां जी, और बेटे की आशीष मिली। कैसे मिली? तो जो 8वें महीने च दाखिल हो गई। ले हैंड प्रे कराई थी आपने? हां जी, ले हैंड करवाई। आप सुन रहे हैं, ले हैंड प्रे कराई। एक बहन आई, उसने बताया कनाडा का वीजा मिला, इसने बताया यूके का वीजा मिला, और बेटा नहीं हो रहा था, बेटे की आशीष मिली। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ना छड़े कला यीशु ओ दा नाम ए, जेड़ा ना छड़े कला। हालेलुया। नेक्स्ट, हां प्रभु जी, बहन बता रहे हैं ये काफी साल से चर्च के साथ जुड़े हुए थे, और लगातार अब जब भी बोलते थे कि आज जो स्पेशल लेहेंड करा रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत कर रहे हैं उनके लिए। इन्होंने विश्वास किया और चर्च के कामों के लिए, हेल्प के लिए बीज बोया, और बता रहे हैं इनकी बेटी भी और बेटा भी दोनों कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा था, जब स्पेशल लेहेंड करा के फाइल लगाई, आज गवाही के साथ आए, इनकी बेटी को भी बेटे को भी दोनों को कनाडा वीजा मिला। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, बताएंगे शामाज बेटे, कहाँ से बताएंगे? पापा जी नु जय मसीह दी, सारी कलीसिया नु जय मसीह दी। मेरी गवाही है कि मैं अपने बेटे वास्ते भी दास कोलो प्रोफेट जी तो मतलब ले हैड करवाई, स्पेशल ले हैड करवाई बीज बीज के, फिर बेटी वास्ते भी बीज बीज के नवे साल मतलब ए अप्रैल महीने करवाई, तो उसका वीजा 3 महीने के विच आ गया, दोनों बच्चे कनेडा जा चुके हैं। प्रभु दास का मैं धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती। जोर से तारीफ करो, शाबाश। कहाँ का वीजा है आपका? कनाडा का पापा जी। कनाडा का, कैसे मिली बेटे आशीष? पापा जी, मेरे बच्चे बेटी धारीवाल में सेवा करती थी, तो बेटा यहाँ बस लेके आते थे, पास्टर जी सोनू उनके साथ आता था। आप सुनो, देखो आपने ले हैंड प्रे कराई थी, ले हैंड प्रे कराई इन्होंने, इनके बच्चों को कनाडा वीजा की आशीष मिली। आपके बटाले से, गुरदासपुर से आए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, जो लोग विश्वास के साथ प्रार्थना भवन में आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते, याद रखना यीशु के नाम में। प्रभु आपकी जिंदगियों में छुटकारे दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ छुटकारे के लिए, और जिस समय जोर से बोलो हालेलुया। क्या गाया मैंने गीत में आज, हे यरूशलेम तू सुंदर है, लेकिन वो सुंदर परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर वो एक व्यक्ति को छुटकारा कब देता है? जब वो अपने मुंह के बंधन जो उसके गले में है, कहता है कि गले के बंधन जो है वो बंधन पड़ा हुआ है लोगों के, वो गले में क्या करते हैं, गले से आवाज नहीं निकालते, गले से वो प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर ने आपको गला दिया है गाने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जब आप गला खोलते हैं तो उस गीत में क्या लिखा, गले के बंधन खोल ले अपने, यीशु राजा प्रतापी है। समझ गया कि जब आप गले के बंधन खोलते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। Yes. आज इसी समय फिर कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो सुंदर परमेश्वर, आज जोर से बोलो परमेश्वर तू सुंदर है, परमेश्वर तू सुंदर है, ऐसे तारीफ किया करो परमेश्वर की। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। हालेलुया। प्रभु जी, बहन बता रहे हैं कि बहू काफी समय से अमेरिका वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, चर्च आए, आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई, बता रहे हैं परमेश्वर ने यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस किया। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है, सुंदर मेरा यीशु सुंदर है।
सुंदर है मेरा यीशु। सारे बोलो हालेलुया। आप घर जाके बोलो सुंदर। बोलो मैं अपने हस्बैंड का नाम सुंदर ही रख दूंगी। हाँ देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। ये बंदा होशियारपुर से है, तरन तारण से, तरन तारण पंजाब से आए हैं, और ये व्यक्ति को कोई लेकर आया था चर्च में। आज वो भी जिसने सुसमाचार सुनाया था वो भी कनाडा में है। इसको पैरालाइज का प्रॉब्लम हो गया था। ये प्रभु को बिल्कुल नहीं जानते थे, और जब ये मैं इसकी शक्ल देखकर याद है मुझे कि पुराने जुड़े हुए हैं, और जब इसके सिर पे हाथ रखा प्रार्थना करा के गए ये, और थोड़े दिन के बाद ये चलने फिरने लगा। आज आपके सामने खड़ा, देखो हालेलुया, आपके सामने खड़ा है, और आज भी जुड़े हुए हैं, और आज ये गवाही लेकर आए हैं अपने बच्चों की, अपनी बेटी की, कि यूएसए की आशीष मिली है। हाँ हाँ बताएंगे, बताएं, माइक दें। जय मसीह की पापा जी। हाँ हाँ सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा मेरी बेटी को, मेरी बहू को ले एंड कराने से यूएसए की आशीष मिली, और मेरी बेटी को ऑस्ट्रेलिया में बीएमडब्ल्यू गाड़ी के साथ ब्लेस किया। जोर से तारीफ होसना होसना। आपने कोटी धन्यवाद करती हूँ। ये परमेश्वर है कि देखो, पहले आपके हस्बैंड को पैरालाइज हो गया था, जब आपने प्रार्थना कराया वो चलने फिरने लगे। फिर मेरा बेटा यूके गया, वहाँ से यूएसए चला गया। फिर मेरी बहू यूएसए चली गई, बेटी को बीएमडब्ल्यू गाड़ी मिली, मेरे को स्कॉर्पियो मिली, मेरे को बहुत आशीष दी। हालेलुया, मेरे सिर के बाल नहीं है जितनी मेरे को आशीष दी मेरे परमेश्वर। जोर से ताड़ी बजे, जोर से। हुसैना 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 हुसैना। सारे बोलो हालेलुया। जाए जाए परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। आमेन। वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, परमेश्वर एक दिन जरूर आप सबके ऊपर दया करेगा, यीशु मसीह का नाम। आमेन। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ शाबाश। हालेलुया। ढोलकी। प्रॉफिट जी, बहन बता रही है इनके बच्चे को सिर के अंदर बचपन से पानी वाली रसौलियां थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ट्यूमर बन गया, कैंसर का रूप ले लिया वर्सोलिया, और जब आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज बता रहे हैं वो ट्यूमर, वो कैंसर वाली सोलियां बाहर आ गई है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है। लड़की सुन, वो देख रहे हैं आप, हाथ रखा सिर पर, और इसी समय इसको परमेश्वर ने आशीष दिया। इसने कई बार, एक बार नहीं कई बार ले हैंड कराया, कई वीडियो आप सुन रहे हैं, अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं तो वो रिकॉर्ड लेकर आया करो साथ में, जब आप ले हैंड प्रे कराते हैं आपके सामने है कि जब इसने हाथ रखवाया, ले हैंड कराया, दिखा जरा, बताओ बताओ गवाही बताओ। शाबाश। पापा जी, मुंडा मेरा बचपन तो बीमार रहिंदा सगा, मुंडे सिर विच पानी दी रसौली स्कैन कराई, पानी दी रसौली आई, फिर मैं ले हैंड करवाई पापा जी, उस तो बाद 30 दिन मैं ले हैंड करवाई, 30 दिन मुंडे दी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जोर से तारीफ करो, जोर से। देखो आप एक्सरे हैं यहाँ पर, और ये रिपोर्टें हैं, आप किसी को शक को देख सकता है। पहले वाली रिपोर्ट खोल, दूसरी खोल, आप देख सकते हैं आफ्टर बिफोर के इस बच्चे के सिर में इनके पानी वाली इस बेटे के सिर में पानी वाली रसोलियां होगी थी, और जैसे ही सिर पे हाथ रखा, दुआ किया, आपके सामने बिल्कुल आजाद हो गया, बिल्कुल आजाद। yes. इसके सिर में जगह 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 पेन होता था, और बिल्कुल अभी कोई पेन है कोई? हाथ मारो अपने सिर पे, हाथ मारो, थप्पड़ मारने से भी दर्द होता था, सिर हिलाने से भी दर्द होता था, थप्पड़ मारो, डरो नहीं, कोई रसोली नहीं है, आजाद हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। फायदा पला यीशु दा नाम में,
हालेलुया प्रॉफिट जी, अमेजिंग टेस्टिमनी है। अब पहले भी बहुत दिन से प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई रूपा है, ये बता रहे हैं ऑनलाइन में भी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि आपके हस्बैंड को कैंसर है, प्रभु आजाद करने के लिए जा रहे हैं, मगर जब ये चर्च आए इन्होंने स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, बता रहे डॉक्टर ने जवाब दिया था कि रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो चुका है, कभी ठीक नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। जब चर्च आके स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए, कैंसर खत्म हो गया, नॉर्मल रिपोर्ट आ गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए, आप सुन रहे हैं लेहन प्रे कराने के बाद के ये फैमिली भी कैंसर से आजाद होगी। बताएंगे बेटे यहाँ कब से प्रॉब्लम थी? पापा जी जय मसीह के पापा, माइक ऊपर करके बोल। जय मसीह के पापा जी, सब भाई बहनों जय मसीह जी। मेरे पति को एक साल से कैंसर थे, डॉक्टर जवाब दे दिए कि ठीक नहीं होगा कैंसर, लेकिन जब पापा जी से प्रेड करा के मैं ले गई, मेरे पति आजाद हो गए कैंसर से। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हैं बेटे, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम बिहार के रहने वाले हैं, ऐसे लुधियाना में अभी रह रही हूँ मैं। लुधियाना में? ऐसे तो मैं भी वेस्ट बंगाल का हूँ, ऐसे क्यों बताते हो? आप जहाँ रहते हो वहीं का बताओ। बस मैं लुधियाना में रहती हूँ। लुधियाना में रहते हो और आपके सामने लुधियाना में रहते हैं। जब ले एंड प्रे हुआ, देखो कैंसर कहाँ पर था इनको? इतना कमर की हड्डी में, माइक कर। हाँ काम था, कमर की हड्डी में थे, बोल रहे थे डॉक्टर गल गया है कमर का हड्डी। कमर की हड्डी में कैंसर था, गल गया है, बोल रहे थे कमर की हड्डी, और आज परमेश्वर ने बिल्कुल छुटकारा दे दिया जब लैंड प्रे हुआ। तो उसके बाद बता रहे कि दोनों रिपोर्टें आप देख सकते हैं, पहली रिपोर्ट में कैंसर बताया इसकी हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी में, और ये देख दूसरी रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल लैंड प्रे कराने के बाद। मैं फिर कह रहा हूं अगर कोई भी प्रॉब्लम है आ जाना प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, जो लेहन प्रे करा रहे हैं उन्हें गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। पल्ला तेरा पड़ी अते बार लग जावांगे, पल्ला तेरा पड़े अते बार लग जावांगे, पल्ला तेरा पड़े अते बार लग जावांगे। हालेलुया प्रवृत्ति, बहन बता रहे हैं काफी समय से इस बहन को गले में कैंसर की गांठ होगी थी, चर्च आए आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, डॉक्टर ने जवाब दिया था कि कैंसर की गांठ होगी है, अब कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं भी चले जाओ। जब चर्च आए लास्ट संडे स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, रिपोर्ट करा कर आए, कैंसर खत्म हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ये पवित्र आत्मा है। हाँ सुनेंगे शब्द जल्दी जल्दी। पापा जी को जान सी की सारी कलीसिया को जान सी रही। पापा मैंने पहले रिपोर्ट करवाई थी, डॉक्टर ने मुझे बोला भी आपको कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेरे टेस्ट ले गए, मैं बहुत परेशान थी। मैंने बोला भी मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे ऐसी उम्र में कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। पापा आपने पिछले संडे मेरी लेहन की, आपने बोला आप हफ्ते के बाद नॉर्मल रिपोर्टों के साथ आऊंगी। पापा मैंने रिपोर्टें करवाई, नॉर्मल आ चुकी है। हालेलुया, जोर से तारीफ करो। देखो इसकी लेहन दो बार की मैंने, और इसको शक था, मैंने कहा जा रिपोर्ट चेक करा, और रिपोर्ट के साथ आई है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। मारो ताड़ियों यीशु दी दबारे। हाँ ब्रांच सारे बोलो हालेलुया। आज याद रखना जो लोग पंचकुला में ब्रांच और जगह जगह जो यूपी में ब्रांच खुल रही हैं, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश आपके लिए। इस समय आज प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आपको छुटकारा मिले। सारी ब्रांचें अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, और इसी समय गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ, पहले पंचकुला ब्रांच और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ। आज ध्यान से सुनना, जो यहाँ जलंधर में बैठे हैं, जो सारी ब्रांचों में, ऑयल मीटिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है? ऑयल मीटिंग, आप काउंटर लगा हुए वहां से ऑयल लें अपने लिए, वाटर लें आप उसको लें, और जब आप लें उसको तो वो नई प्रार्थना वाला ऑयल है,
और उसको अपने हाथ में पकड़ लो आज। जो ऑयल यहाँ का, कुछ लोग बाजार का ऑयल लेकर आ जाते हैं, उससे चमत्कार नहीं होना, ब्लेसिंग नहीं मिलनी। जो प्रार्थना वाला ऑयल है उससे मिलना है। वो ऑयल आप ले लेना थोड़ी देर में और अपने हाथों में पकड़ लेना। मैं प्रार्थना करूँगा और ब्लेसिंग मिलेगी। और ब्रांचों में जहाँ भी ऑयल दिया गया, छोटी छोटी शीशियाँ, आप उसको आज अपने सिर पर लगाना। प्रार्थना के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पंचकुला ब्रांच में, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। सुनो, पंचकुला ब्रांच तुम्हारे यहाँ पर ऐसे सुनीता, किसी के घर में कोई सोनिया और सुनीता है, जैसे कोई किसी की वाइफ है या फिर किसी की बहन है, कोई किसी का किसी की बेटी है, सोनिया सुनीता। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, जोर से ताड़ी बजाएं, देखो परमेश्वर सुनता है। हाँ 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 धन्यवाद। हाँ हाँ, क्या नाम है? सोनिया। हाथ उठा दे, बस हाथ उठा दे, जल्दी से फटाफट हाथ उठा दे। हाँ, प्रभु का आत्मा फेवर कर रहा से तेरे घर में जो हाँ, क्या नाम है इसका, नाम क्या है इसका? हाँ ठीक है, जो भी नाम है तेरा, सोनिया, सोनिया नाम है कि सुनीता? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, जो भी बहन, ऊपर उठा अपना हाथ। पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि तेरे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम होने वाला था, परमेश्वर ने आज तुझे हील कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और थोड़े दिन के बाद तू अपना घर बनते हुए देखेगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आएगी और छुटकारा मिल रहा है तुझे इस समय। वो करें कि जो नशे करता है कोई फैमिली में, और इसी समय पर आपका भाई या हस्बैंड में से कोई है, और परमेश्वर आज आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, फेवर कर रहा है। और इसी समय बोल रहा हूँ, इस समय निकल रही है वो गंदी आत्मा आपके अंदर से, चला इसी समय, वो शराब टूट जाए इसके घर से, चल बाहर 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 इसी समय, चलो बाहर, चल खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, इस लेडीज के ऊपर से डा 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 डा, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री 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 फ्री, टच यीशु के नाम में। है लड़की, हाथ छोड़, तेरी सितार लगती है पकड़ के घूम रही है से, यीशु के नाम में फ्री हो जाए। कैमरामैन इस पर हाँ कैमरा किया कर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अगले संडे आप गवाहियों को सुनोगे इस पूरे चर्च में। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय, परमेश्वर जो पंचकुला ब्रांच में, यूपी ब्रांच में हाथ उठाए खड़े हैं, इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी ब्रांचों में, यूपी और पंचकुला ब्रांच, ध्यान से सुनो, प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला आपके घर के लोग नई गाड़ी लेने वाले हैं, कोई नया फोर व्हीलर टू व्हीलर ऐसे आप लेने वाले हैं। जल्दी परमेश्वर आपके लिए एक रोजगार का इंतजाम कर रहा है, जिसके पास रोजगार नहीं है, ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट ब्रांच अब दिखाता रहे, शाबाश। हैदराबाद ब्रांच, इस समय इस ऑयल को लगाओ, पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है। फरीदाबाद सेकंड ब्रांच, फरीदाबाद, हाँ खोलो खोलो सेकंड ब्रांच फरीदाबाद। थोड़ा कैमरे के सामने आ जाओ, 10 लोग आगे आ जाओ, 10 लोग